गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग चैंपियंस को, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे पहली बार आए हैं, फटाफट सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और दूसरी बात है कि टेलीग्राम से जुड़ जाना है। टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में शेयर कर दिया, आप ऊपर देखो एक लिंक दिख रहा होगा, वो टेलीग्राम का लिंक है। टेलीग्राम से जुड़ना इसलिए भी ज़रूरी है, जो बच्चे पेड क्लासेस में नहीं आ पाते हैं, जिनको फ्री क्लासेस चाहिए, चाहे वो अनअकैडमी पे हो, यूट्यूब पे, सारे का नोटिफिकेशंस आपके पास टेलीग्राम पे पहुंच जाएगा। जैसे अभी हमारे जो बच्चे एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो आज से एमटीएस का प्रैक्टिस सीरीज शुरू हो रहा है। अब ये कहाँ पे हो रहा है? ये मेरे यूट्यूब पे नहीं हो रहा है, अनअकैडमी का यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है अनअकैडमी इंद्रधनुष, वहाँ पर शुरू हो रहा है। और ये कब से शुरू हो रहा है? आज से शुरू हो रहा है, लगातार चलेगा, और शाम का टाइमिंग है 4 to 5। ठीक है, तो जो एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो नहीं भी कर रहे हैं, सीएचएसएल जिसकी भी कर रहे हैं, सब आ जाएंगे। ओके, टाइमिंग अच्छा है, उस समय सोते रहते हो, बेटर है कि आके प्रैक्टिस कर लेना। 4 PM से स्टार्ट होगा, ठीक है, 5 PM तक चलेगा। इसका स्केड्यूल क्या रहेगा बताऊंगी, ये हर दिन चलेगा, 4 से 5, 1 घंटे का बैच रहेगा। इसमें मैं क्या क्या करवाऊंगी, पहले एमटीएस का एक 25 questions का प्रीवियस पेपर करवाऊंगी, और उसके बाद फिर इंडिविजुअल चलेगा। जैसे मैंने अनअकैडमी के किस पे स्पेशल क्लास में एमटीएस में पूछे गए 100 EDMs करवाया था, अब मैं आगे 100 से शुरू करूँगी। आज हम 100 से 200 EDMs करेंगे, ठीक है। तो हर दिन हम 25 question का सेट बनाएंगे, फिर EDMs करेंगे। कल भी 25 question का सेट बनाएंगे, फिर 1 word करेंगे। तो 25 question के सेट के साथ ना कुछ कुछ हम लोग टॉपिक वाइज भी करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट किया जाए। ओके, स्टार्ट किया जाए। नेक्स्ट टॉपिक आपका एडवर्ब रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक एडवर्ब रहेगा। चलो ये स्टार्ट किया जाए। स्टूडेंट्स को बता दूं, अभी A to Z ग्रामर का बैच चल रहा है, एकदम बेसिक से। अब हम लोग इस मंथ में इस A to Z बैच को ख़त्म करने की कोशिश करूंगी। मैक्सिमम चैप्टर्स हो गए हैं, अब हमारे पास 2-3 chapters ही बच गया है, उसको भी इस मंथ में करके ख़त्म कर दिया जाए। कल से मैं कोशिश करूंगी ना एडवर्ब स्टार्ट करूं, आज एडजेक्टिव ख़त्म कर देती हूं, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट किया जाए। एडजेक्टिव का हमने 2-3 class हम लोग का हो गया है, अब आ जाओ। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना है आपको। पहले तो मैं इसको लिख के समझाती हूँ आपको। जब भी हम कंपैरिजन किसका करते हैं, हम कंपैरिजन या तो एडजेक्टिव का करते हैं, या तो हम कंपैरिजन एडवर्ब का करते हैं। हम दो ही चीज़ का कंपैरिजन करते हैं, या तो एडजेक्टिव का करते हैं, या तो कंपैरिजन हम एडवर्ब का करते हैं, ठीक है। तो जब भी कंपैरिजन होता है ना, तो कंपैरिजन हमेशा सेम कैटेगरी में होता है। ओके, कंपैरिजन हमेशा सेम कैटेगरी में क्या है, साउंड ठीक है ना? साउंड ठीक है, एक मिनट। साउंड ठीक है, सेम कैटेगरी में होगा। मैंने लिखा शिमला, शिमला इज बेटर देन दिल्ली, शिमला इज बेटर देन दिल्ली, तो ये सेंटेंस करेक्ट है, ठीक है, ये सेंटेंस करेक्ट है। लेकिन दूसरा अगर मैंने लिखा द क्लाइमेट ऑफ शिमला is better than दिल्ली, ये वाला सेंटेंस गलत है, ठीक है। नीचे वाला सेंटेंस गलत है, ऊपर वाले सेंटेंस करेक्ट है। बिकॉज ऑलवेज जो जब भी कंपेरिजन होता है ना, तो कंपेरिजन हमेशा सेम कैटेगरी का होगा। जगह का कंपेरिजन जगह से होगा, क्लाइमेट का कंपेरिजन क्लाइमेट से होगा। ऊपर वाला सेंटेंस करेक्ट इसलिए है क्योंकि शिमला भी एक प्लेस है और दिल्ली भी एक प्लेस है, दिल्ली भी एक प्लेस है, तो ऊपर वाला सेंटेंस इज करेक्ट। बिकॉज यहाँ वी आर कंपेयरिंग प्लेस टू प्लेस, प्लेस का कंपेरिजन प्लेस से हो रहा है। बट यहाँ दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, बिकॉज हियर वी आर कंपेयरिंग, शिमला को हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं द क्लाइमेट, शिमला के क्लाइमेट को कंपेयर कर रहे हैं दिल्ली से। तो क्लाइमेट और प्लेस दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ है। हम क्लाइमेट का कंपेरिजन क्लाइमेट से करेंगे, प्लेस का कंपेरिजन प्लेस से करेंगे, तो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। बिकॉज यहाँ क्लाइमेट का कंपैरिजन प्लेस से हो रहा है, बट ऊपर वाले में प्लेस का प्लेस से हो रहा है,
वो करेक्ट है। तो इस सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हो, द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली। द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली। दिस सेंटेंस इज करेक्ट। ठीक है, दिस सेंटेंस इज करेक्ट बिकॉज ऊपर वाले में तो क्लाइमेट और प्लेस का हो रहा था, बट यहाँ पे कंपेरिजन शिमला के मौसम का, क्लाइमेट का कंपेरिजन हो रहा है दिल्ली के, इंडिया लिख दिया ना, दिल्ली है, दिल्ली है, दिल्ली के क्लाइमेट्स। ठीक है, तो ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। लेकिन एग्जाम्स में एरर कैसे आता है कि बार बार क्लाइमेट क्लाइमेट ना रिपीट हो, द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, बार बार क्लाइमेट ना रिपीट हो। क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट नाउन है, नाउन बार बार रिपीट ना हो ना, तो हम उसके जगह प्रोनाउन डाल देते हैं। तो हम इस क्लाइमेट नाउन है ना, इसके जगह एक प्रोनाउन डाल सकते हैं, क्या? देन दैट ऑफ, क्योंकि क्लाइमेट नॉन लिविंग थिंग है ना, नॉन लिविंग थिंग के साथ दैट लगा दे, तो ये भी करेक्ट। ओके, ये भी करेक्ट है। ओके, द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर दैन, द क्लाइमेट भी लगाओगे तो वो ग्रामेटिकली रॉन्ग नहीं है, बट नाउन बार बार रिपीट होता है तो सेंटेंस थोड़ा सा बोलने में अटपटा लगता है। तो नाउन हटाएंगे तो उसके बदले प्रोनाउन डाल दीजिए, क्लाइमेट नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग के साथ दैट लगा दीजिए, देन दैट ऑफ दिल्ली। दैट ऑफ दिल्ली मैंने किसके लिए लगाया? ये क्लाइमेट ऑफ के लिए लगाया, क्लाइमेट नाउन है, इसी के बदले दैट ऑफ लगा दिया। ठीक है, हो गया ये। अभी एक को ना ब्लॉक करना होगा, अभी नहीं शांत हो गए ना सोनू कुमार, अभी आप शांत नहीं होगे तो अभी तुरंत ब्लॉक हो जाओगे आप। अननेसेसरी ना स्पैम मत करिए, अगर आपको बेसिक से देखना है ना तो इस बैच को शुरू से करिए। ठीक है, ये भी करेक्ट है। हम सेंटेंस को ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, दैट ऑफ भी लगा के लिख सकते हैं, हम सेंटेंस को ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट ऑफ तो लगा ही दिया, चलो इसको हटाती हूँ। हम सेंटेंस को ऐसा भी लिख सकते हैं, द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर देन, हम दिल्लीज भी लगा देंगे, वो भी रॉन्ग नहीं है, दिल्लीज, दिल्लीज मतलब दिल्ली का क्लाइमेट। हम अपोस्ट्रोफी एस क्यों लगाते हैं? अपोस्ट्रोफी एस पोजेशन बताता है, जब भी ऑफ हटाते हैं ना तो उसके जगह अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। जैसे जैसे मैं लिखती ना, द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली, तो ऑफ हटाया तो मैंने दिल्लीज लगा दिया, तो दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट, ये भी करेक्ट है। पार्ट ऑफ स्पीच जाइए ना, इसी प्लेलिस्ट में मिलेगा इंप्लॉइज, इसी इसी बैच के सबसे पहला क्लास पार्ट ऑफ स्पीच है। ठीक है, इसी बैच का सबसे पहला क्लास आप देखना, उसका प्लेलिस्ट में जाके पार्ट ऑफ स्पीच डाला हुआ है, ये भी करेक्ट है। हम तीनों तरीके से लिख सकते हैं, द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर दैन द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर दैन दैट ऑफ दिल्ली, क्लाइमेट की जगह प्रोनाउन लगा दिया, और द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर दैन दिल्लीज, दिल्लीज का मतलब भी है दिल्ली का क्लाइमेट, अपोस्ट्रोफी लगा दी, दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, तीनों करेक्ट है, हाँ तीनों करेक्ट है। अब आ जाओ, चलो यहीं से क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ। यही वाला क्वेश्चन है, शिमला इज बेटर देन दिल्ली, तो ये वाला तो करेक्ट है ना, दिस सेंटेंस इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे शिमला का कंपैरिजन हो रहा है इससे दिल्ली से, शिमला भी जगह है, दिल्ली भी जगह है। अब हम कोलगेट का कंपैरिजन सर्फ एक्सेल से नहीं करोगे ना, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ है। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ है। चाय का कंपैरिजन कॉफ़ी से कर सकते हो, चाय का कंपैरिजन कोल्ड ड्रिंक से कर सकते हो, बट चाय का कंपैरिजन कोलगेट से नहीं करोगे ना, सिमिलर से करेंगे हम, प्लेस का कंपैरिजन प्लेस से। अब ये वाला सेंटेंस है, द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर देन दिल्ली, बट यहाँ तो दिल्ली जगह है, बट हम बात कर रहे हैं शिमला का, दिल्ली से कंपैरिजन नहीं हो रहा, शिमला के क्लाइमेट का कंपैरिजन दिल्ली से हो रहा है, तो गलत है, हमें दिल्ली के क्लाइमेट से करना है। तो इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर देन देन दिल्लीज भी कर सकते हो, देन दिल्लीज भी कर सकते हो, द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली भी कर सकते हो। जब ऑफ लगा रहे हो ना, ऑफ लगा रहे हो तो अपोस्ट्रोफी मत लगाना, ऑफ हटेगा तभी अपोस्ट्रोफी लगेगा। ठीक है,
अब आ जाओ नेक्स्ट वाला देखो। अगर मैं सेंटेंस ऐसा लिखती, एक बार मुझे नेक्स्ट वाला कंपैरिजन करने दो, यहाँ पे मैं ऐसा लिखती, डेंगू डेंगू इज सिमिलर टू मलेरिया। डेंगू एक बीमारी है, डेंगू मलेरिया की तरह होता है। डेंगू एक बीमारी है, डिजीज है, और मलेरिया भी एक डिजीज है। तो ये सेंटेंस करेक्ट है, ये सेंटेंस करेक्ट है, लेकिन नीचे वाला सेंटेंस, ये वाला सेंटेंस रॉन्ग इसलिए है ना, यहाँ हम डेंगू का कंपैरिजन मलेरिया से नहीं कर रहे, हम कंपैरिजन कर रहे हैं डेंगू के लक्षण, डेंगू के सिम्टम्स का कंपैरिजन हमें करना है मलेरिया से नहीं, हमें करना है मलेरिया के लक्षण से। ओके, सिम्टम का कंपैरिजन सिम्टम से हो रहा है। ओके, सिम्टम का कंपैरिजन सिम्टम से होगा। तो चलो बताओ कैसे इसको इंप्रूव किया जाए। बताना कैसे करोगे डेंगू का यहाँ तो ठीक है, डेंगू का कंपैरिजन मलेरिया से किया जा रहा है, बट हमें करना है डेंगू के सिम्टम्स का कंपैरिजन मलेरिया के सिम्टम से। तो चलो बता दो कैसे होगा। हाँ, सिमिलर टू, देखो इस सेंटेंस को ऐसा भी हम लिख सकते हैं, द सिम्टम्स ऑफ डेंगू, ठीक है, आर सिमिलर टू द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, ठीक है, मलेरिया। तो ये भी सेंटेंस रॉन्ग नहीं है, ये भी ग्रामेटिकली करेक्ट है, डेंगू के सिम्टम का कंपैरिजन हो रहा है मलेरिया के सिम्टम से, लेकिन सिम्टम्स बार बार रिपीट नहीं होना, तो उसकी जगह क्या लगा दोगे, आर सिमिलर टू दैट ऑफ मत लगाना, दोज ऑफ लगाना। मैंने दोज क्यों लगाया, क्योंकि वहाँ तो क्लाइमेट था, क्लाइमेट सिंगुलर था, तो मैंने क्लाइमेट के लिए दैट लगाया, बट दैट यहाँ तो सिम्टम्स प्लूरल है ना, और कोई प्लूरल नाउन है, तो उसकी जगह कोई प्लूरल प्रोनाउन ही लगाओगे ना, दोज को प्लूरल कर लो, दोज ऑफ दैट ऑफ नहीं लगाना, दोज ऑफ लगाना, क्योंकि प्लूरल आ गया। या आप मलेरियाज भी कर सकते हैं, द सिम्टम ऑफ डेंगू आर सिमिलर टू दैट ऑफ सिमिलर टू मलेरियाज भी लगा सकते हैं, सिम्टम्स भी लगा सकते हैं, ठीक है। और एक दो एग्जांपल्स, द रोड्स ऑफ चंडीगढ़ आर बेटर देन दिल्ली। तो यहाँ रोड चंडीगढ़ का कंपैरिजन दिल्ली से नहीं हो रहा है, चंडीगढ़ का रोड का कंपैरिजन दिल्ली से हो रहा है, और रोड्स प्लूरल है, तो लगा दो आर सिमिलर आर बेटर देन दोज ऑफ दिल्ली का मतलब क्या है, बेटर देन द रोड्स ऑफ दिल्ली, या दिल्लीज भी कर सकते हो, दिल्लीज भी कर सकते हो। The people of Japan are wiser than America. यहाँ Japan का comparison America से नहीं हो रहा है, Japan के लोगों का comparison हो रहा है America के लोगों से, और लोग तो plural है ना, तो लगा दो then the people of America या those of America। दूसरा, हाँ अब ये वाला मेरे को अलग से समझाना है, इतना पहले लिखिए, इसको अलग से समझाना होगा, बहुत कॉमन सा एरर है जो हर एग्जाम्स का फेवरेट होता है, दिल्लीज भी लगा सकते हो। सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक भी कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ अब हमें ना थोड़ा सा ये वाला अच्छे से समझना है, ये भी एरर आता है, जब मैं लिखती हूँ ना तो आप लोग भी लिखते जाओ, उससे क्या होगा अभी टाइम बचेगा, कमेंट्स मत करना, क्योंकि फिर आप लोग बोलते हो ना कि मैम बैक स्लाइड कर दो, जब मैं लिखती हूँ तो आप लोग लिखो नोट। नेस्केफे इज बेटर देन एनी कॉफी। बहुत ज्यादा दिल से मत ले लेना, मैम आपको तो नेस्केफे पसंद है, मेरे को तो ब्रू अच्छा लगता है, ये वो, बट दिस इज जस्ट अ सेंटेंस, नेस्केफे इज बेटर देन एनी कॉफी इन द मार्केट।
दूसरा लिखा मैंने गोल्ड। ये सेंटेंस सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने के लिए, गोल्ड इज प्रेशियस दैन एनी मेटल, यहीं पे सब लिख दे रही हूँ, लिखते जाओ। फिर तीसरा लिखा मैंने गोल्ड इज प्रेशियस दैन ऑल मेटल्स। लिखा गोल्ड इज प्रेशियस, इन तीनों सेंटेंस को मेरे को कंपेयर करना है। गोल्ड इज प्रेशियस ऑफ ऑल मेटल्स, नो गर्ल इन द क्लास इज एज इंटेलिजेंट एस प्रिया। तीनों सेंटेंस को लिखिए और फिर बोर्ड पे ध्यान दीजिए। ओके हाँ नहीं, पहले आप लिखो, बीच में आंसर नहीं देना है, उसको लिखते जाइए क्यों रॉन्ग है। रट लिया जाता है कि मैम ऐसे वाले सेंटेंस में ना अदर लगा दिया जाता है, हर जगह अदर नहीं लगाया जाता। सेंटेंस देखो, नेस्केफे इज बेटर दैन एनी कॉफी इन द मार्केट। जब भी सेंटेंस में दैन आ गया, जब भी वाक्य में दैन आ जाता है ना, तो दो कैटेगरी बन जाता है, दो कैटेगरी। देखो यहाँ भी दैन आया है, यहाँ भी दैन आया है, ठीक है, यहाँ भी दैन आया है। यहाँ पे कंपैरिजन मैंने दैन 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 लगा के किया है, बट यहाँ ऑफ लगा के किया है। तो यहाँ पे एक साइड में कौन सा है, एक साइड में नेस्केफे है, एक साइड में नेस्केफे है, एक ग्रुप में नेस्केफे है, और दूसरा ग्रुप में है दैन एनी कॉफी। यहाँ पे एनी कॉफी है, और इस एनी कॉफी का मतलब क्या है, एनी कॉफी का मतलब होता है कोई भी कॉफी। एनी कॉफी इन द मार्केट का मतलब है मार्केट का कोई भी कॉफी, और मार्केट के कोई भी कॉफी में नेस्केफे भी तो आ जाएगा, ठीक है, एनी कॉफी में नेस्केफे भी तो आ जाएगा, बट हमें नेस्केफे को एक साइड रखना है और बाकी सारे मार्केट के कॉफी को एक साइड रखना है। तब हमें क्या करना होगा ना, यहाँ पे अदर वर्ड लगाना होगा, तब जाके अदर लगा देंगे ना तो एक साइड में नेस्केफे हो जाएगा, एक साइड में बाकी के सारे कॉफी हो जाएंगे। तो अब सेंटेंस का सेंस क्या जा रहा है, नेस्केफे इज बेटर दैन नेस्केफे एनी अदर कॉफी, मतलब एनी अदर कॉफी, दूसरा कोई कॉफी नेस्केफे को छोड़कर, ठीक है, दूसरा कोई नेस्केफे है ना, बाकी सारे कॉफी में से नेस्केफे सबसे अच्छा है। अदर लगाना, अदर 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 लगा लेंगे। ओके नहीं, अब नेक्स्ट वाला आ जाओ। गोल्ड इज प्रेशियस देन एनी मेटल, अब एक साइड में गोल्ड है और एक साइड में बाकी के सारे मेटल है, तो एनी मेटल में गोल्ड भी तो आ जाएगा, और यहाँ पे अदर लगा देंगे, अदर अदर यहाँ भी है, यहाँ भी देखो, बस यहाँ भी देखो, गोल्ड एक साइड में गोल्ड है और एक साइड में ऑल मेटल्स है, और ऑल मेटल्स में गोल्ड भी तो आ जाएगा, यहाँ भी अदर लगाओ, यहाँ भी अदर लगा दो। जहाँ भी दैन लगा के कंपैरिजन होता है ना, तो वहाँ दो कैटेगरी बनता है, एक साइड में ये और एक साइड में ये, तो इसको इससे अलग करने के लिए ना हर जगह अदर लगाओगे। लेकिन ध्यान दे रहे होगे कि अगर एनी है, एनी के साथ अदर लग रहा है ना, तो सिंगुलर लगता है, एनी अदर मेटल, ठीक है, एनी के साथ अदर लगा है तो मेटल। लेकिन अगर ऑल है, ऑल अदर लगा है, तो वहाँ पर देख रहे होगे मेटल्स लगा है, प्लूरल, ऑल के साथ हमें प्लूरल लगाना है, एनी के साथ सिंगुलर लगाना है। ओके हाँ, अब नेक्स्ट वाला देखो, अब क्या करेंगे ना, गोल्ड इज प्रेशियस ऑफ ऑल मेटल्स। अब यहाँ भी बच्चे अदर लगाने की कोशिश करेंगे, बट यहाँ बिना अदर का करेक्ट है, यहाँ बिना अदर का करेक्ट है। देखो ऊपर वाले सेंटेंस में ना सब जगह दैन लगा है, दैन लगा लगा के दो कैटेगरीज बनाया गया है, लेकिन ये वाले सेंटेंस में क्या है ना, गोल्ड इज प्रेशियस ऑफ ऑल मेटल्स, तो यहाँ एक ही कैटेगरी है और इसी में बहुत सारे मेटल्स है, इसमें से बहुमूल्य मेटल गोल्ड है, तो यहाँ पे अदर लगाने की जरूरत है ही नहीं। एक ही अदर तब लगाते हैं जब दो कैटेगरी है, और दो कैटेगरी कब बनाया जाता है, जब दैन लगाओ, दैन मतलब एक इस साइड एक साइड,
और यहाँ गोल्ड उन सारे मेटल्स में से प्रेशियस है, एक ही कैटेगरी है, इसी में से बहुत सारे मेटल है उसमें से गोल्ड है। यहाँ अदर मत लगाना, अदर हाँ एनी अदर के साथ सिंगुलर लगाना, ऑल अदर के साथ प्लूरल, यहाँ मत लगाना। ऐसा नहीं है आग बंद करके अदर लगा दिया सब जगह। ऑफ एनी ऑल मेटल्स थोड़ी हो, ऑल अदर मेटल्स। नो गर्ल इन द क्लास इज एज इंटेलिजेंट एज प्रिया। तो यहाँ पे एक साइड में कौन है, एक साइड में प्रिया है और एक साइड में नो गर्ल है। नो गर्ल इन द क्लास, नो गर्ल में प्रिया भी तो आ जाएगी बट हमें प्रिया को अलग करना है। नो अदर गर्ल, नो अदर गर्ल मतलब प्रिया को छोड़कर दूसरी कोई अन्य गर्ल इंटेलिजेंट नहीं है। तो यहाँ पे अदर लगाओ। कुछ कुछ ना कमेंट बॉक्स में देख रही है, बात करने में बिजी है, ये सब ध्यान नहीं आ रहा है कि इतना ज़्यादा वैकेंसीज आया हुआ है। ये दो साल भर भर के वैकेंसीज आए हैं, इसी में हमें एग्ज़ाम निकाल लेना है, उसके बाद क्या पता फिर आए ना आए। इतना कमेंट पे क्यों ध्यान दे रहे हैं, बस पढ़िए और फटाफट पढ़िए, बैच ख़त्म करिए, प्रैक्टिस में आइए और सिलेक्शन लीजिए। कुछ तो कमेंट में बिजी है। नो अदर गर्ल्स नहीं होगा, नो अदर, नो अदर के साथ सिंगुलर। हो गया ये वाला। लिख लिया होगा स्टूडेंट ने, यही चीज इसमें था, ठीक है। ये जो मैंने पूरा लिखा ना यही वाला था, इसमें से एक एग्जाम्पल नहीं था, आप इसको उतार सकते हो, बस एक एग्जाम्पल उतार। द सर्कुलेशन ऑफ द हिंदू इज बेटर देन एनी अदर न्यूज़पेपर। अब मुझे बताओ, अब आपको लगेगा कि यहाँ कंपैरिजन हो रहा है ना, एनी अदर, तो एक साइड में हिंदू न्यूज़पेपर है और एक साइड में एनी अदर है, तो यहाँ तो एनी अदर लगा। अगर एनी होता ना, एनी न्यूज़पेपर होता तो वो गलत होता। एनी न्यूज़पेपर मतलब कोई भी दूसरा न्यूज़पेपर, एनी न्यूज़पेपर में तो हिंदू भी आ जाएगा, तो यहाँ पे वो गलत होता। लेकिन यहाँ तो अदर लगा दिया है इन्होंने, अदर लगा दिया है तो ये तो सही है, एनी अदर। अब बताओ कि एरर कहाँ पे, एरर कहाँ पे है, अदर कहाँ पे, मतलब एरर कहाँ पे है बताइए इस सेंटेंस पे। ठीक है अदर लगा हुआ है, अदर होना भी चाहिए, एनी अदर न्यूज़पेपर मतलब हिंदू को छोड़ के, लेकिन गड़बड़ कहीं और पे। नो एरर नहीं है, एरर है, यस वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पे कंपैरिजन ना हिंदू का कंपैरिजन न्यूज़पेपर से नहीं हो रहा है, यहाँ पे हिंदू का सर्कुलेशन, सर्कुलेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन वितरण, हिंदू हिंदू न्यूज़पेपर का सर्कुलेशन का कंपैरिजन हो रहा है दूसरे न्यूज़पेपर से नहीं, दूसरे न्यूज़पेपर के सर्कुलेशन से। तो यहाँ पे देन डैट ऑफ होगा, डैट ऑफ अदर न्यूज़पेपर, डैट ऑफ अदर न्यूज़पेपर मतलब द सर्कुलेशन ऑफ एनी अदर न्यूज़पेपर। गुड गुड, चलो ये वाला तो आपका हो गया। हाँ अब एक बहुत अच्छा सा और खूबसूरत सा रूल है कि जनरली हम दो चीज़ों को कंपैरिजन करते हैं ना, तो दो चीज़ों को कंपैरिजन करने के लिए ईआर लगाते हैं। जनरली कंपैरेटिव डिग्री के लिए क्या लगाते हैं, हम ईआर लगाते हैं, जैसे स्मार्ट का स्मार्टर बनाते हैं, वाइज का वाइजर बनाते हैं, पुअर का पुअरर बनाते हैं, ठीक है। जनरली कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए ईआर लगाते हैं, बट कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं ना जिसका ईआर लगा के कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनता है, तो हम वहाँ क्या लगा के बना रहे थे, मोर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर नहीं होता है, तो हम मोर लगा के बनाते हैं। जिसका ईआर लगा के नहीं बनता है ना उसका हम मोर लगा के बनाते हैं, ठीक है। तो कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए या तो ईआर लगाइए या तो मोर लगा के बनाइए, ठीक है। जैसे मैं मोर हैवी नहीं लिखूंगी, हैवी का हैवियर बनता है, ठीक है, हैवी का कंपैरेटिव डिग्री हैवियर बनता ही है, तो मोर हैवी लगाने की जरूरत नहीं। बट एक ऐसा कंडीशन होता है ना जहाँ पे वी कैन मेक द कंपैरेटिव डिग्री बाय यूजिंग ईआर बट स्टिल वी यूज मोर, ओके। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जहाँ पे हम ईआर लगा के कंपैरेटिव डिग्री बना सकते हैं बट फिर भी हम वहाँ पे मोर लगाते हैं। ऐसा कब, ऐसा तब होता है जब एक ही पर्सन का या एक ही चीज़ का
उन्हीं के दो क्वालिटीज से कंपैरिजन हो रहा है। जब पर्सन एक हो और क्वालिटीज दो, एक ही पर्सन का उन्हीं के दो क्वालिटीज से कंपैरिजन हो रहा है। जैसे मैं बोलूँ ना, वो सुंदर से ज़्यादा स्मार्ट है, तो उसकी स्मार्टनेस और सुंदरता का कंपैरिजन हो रहा है। पर्सन तो एक ही है, क्वालिटीज दो है। तो ये लिखा है मैंने, इफ़ टू क्वालिटीज ऑफ द सेम पर्सन और थिंग आर कंपेयर, तो डैट केस में ER लगा के नहीं बनाते, मोर लगा के बनाते। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखना, शी इज स्मार्टर, स्मार्ट का स्मार्टर बनता है, स्मार्ट का कंपेरेटिव स्मार्टर बनता है, हम स्मार्टर लगाते भी है, बट कहीं कहीं हमारी मजबूरी होती है ना कि हम वहाँ पे ER ना लगा के मोर लगाएं। ऐसा कब? जब पर्सन एक हो और क्वालिटीज दो, उन्हीं के दो क्वालिटीज से कंपेरिजन हो रहे हैं, ठीक है। तो देखो, शी इज स्मार्टर देन हर सिस्टर, यहाँ पे एक ही क्वालिटी है और पर्सन दो है, एक पर्सन नहीं है यहाँ पे, देर इज वन पर्सन शी। शी का कंपेरिजन उसके सिस्टर से हो रहा है, शी का कंपैरिजन उसके सिस्टर से हो रहा है, दो अलग अलग लोगों में कंपैरिजन हो रहा है। तो यहाँ पर तो ER लगेगा, ER लगेगा, बट नीचे वाले सेंटेंस में देखो क्वालिटी दो है। यहाँ पे बोला गया शी का कंपैरिजन किसी और पर्सन से नहीं हो रहा, शी का कंपैरिजन उन्हीं के दो क्वालिटीज में हो रहा है। शी जो है वो सुंदर से ज़्यादा स्मार्ट है, तो यहाँ पे क्वालिटीज दो है, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि स्मार्टर का ER लगा के बनता है, बट फिर भी हम मोर लगाएंगे। जिन एडजेक्टिव्स का ER लगा के बनाया जा सकता है बट फिर भी हम मोर लगाते हैं, ऐसा कब? एक ही व्यक्ति का उन्हीं के दो गुण से, उन्हीं के दो क्वालिटी से कंपैरिजन हो रहा, ठीक है। यस, इतना हल्ला करते हो ना, लेकिन सिंस मैंने कमिट कर दिया था, इतना हल्ला मचाते हो, A to Z बैच मैम लेके आइए, A to Z बैच लेके आइए और लास्ट में ना इतना ज़्यादा आप लोग थक जाते हो A to Z ग्रामर का, क्योंकि मैंने इस बैच को ना, मेरे को तो पता है कि जितना एनर्जी से मैंने स्टार्ट किया था उतने एनर्जी से मुझे इसको एंड भी करना है, बट बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका एनर्जी लेवल ख़त्म हो गया, एनर्जी लेवल ख़त्म हो गया बहुत सारे बच्चों का, जो लास्ट तक टिके हुए रहते हैं वही मेरा सलेक्शन वाला स्टूडेंट्स है, सलेक्शन वाले बच्चे वही है। शी इज़ मोर स्मार्ट देन ब्यूटिफुल। आप लोग को ना यूट्यूब पे क्या चाहिए, मैंने ये चीज़ फील किया कि आपको यूट्यूब पे हर दिन अलग अलग कंटेंट चाहिए, और इसी मजबूरी में ना टीचर को भी वैसे ही कुछ करना चाहते, आपको ना 10 दिन तक वो कैब चाहिए, फिर आपका मन वो कैब से भर जाता, फिर आपको ग्रामर चाहिए, फिर 10 दिन बाद ना आपको फिलअप्स चाहिए, अरे ये फ्रेजल वर्ब चाहिए, उसी चक्कर में टीचर क्या करते हैं ना, टीचर का भी एनर्जी ख़त्म हो जाता है और टीचर अपना पूरा कोर्स ही यूट्यूब पे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं आप लोग की डिमांड की वजह से, ये लाओ वो लाओ ये लाओ, और कभी भी आपका सिलेबस पूरा नहीं होता है, ठीक है, कभी भी आपका सिलेबस पूरा नहीं हो पाता है, पूरा नहीं हो पाता है यूट्यूब पे। तो लेकिन क्या करना है, ठीक है, लेकिन मेरी ड्यूटी है कि A to Z ग्रामर, A to Z वोकैब, A to Z क्लोज टेस्ट छोड़ के जाना है इस चैनल पे, ताकि जब भी बच्चा आए ना उसको प्रॉब्लम ना हो, जो बच्चे पे नहीं कर पाते हैं, जो बच्चे क्लासरूम तक नहीं पहुंच पाते हैं। शी इज़ ब्रेवर देन हिज ब्रदर, ये तो सही है, वो अपने भाई से ज़्यादा बहादुर है। यहाँ दो लोगों में कंपेरिजन हो रहा है, ये दो लोगों में कंपेरिजन हो रहा है, तो यहाँ तो ER लगेगा, बट यहाँ पे वो समझदार से ज़्यादा बहादुर है, तो यहाँ एक ही व्यक्ति के उन्हीं के दो गुण में कंपेरिजन हो रहा है। मोर ब्रेव। यस, अरे लिटरेचर इज हाउ मच, UPSC में लिटरेचर, अगर आपने ऑप्शनल में कुछ लिटरेचर वगैरह लिया है तो वहाँ पे हेल्प करेगा ना, अगर आपका ऑप्शनल लिटरेचर नहीं है तो वहाँ लिटरेचर का क्या काम है, ग्रामर का है। A to Z बैच को ना मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं इसको पूरा ख़त्म ही करूँगी, कल से एडवर्ब स्टार्ट करूँगी, फाइनली इस बैच को ख़त्म कर लेना, ताकि मैं भी तो प्राउडली बोल पाऊँ ना, मैंने पूरा डिटेल A to Z बैच यूट्यूब पर पढ़ा दिया है, ठीक है, पूरा A to Z ग्रामर भी पढ़ा दिया है, तो इसको ख़त्म कर लेना, ये हो गया। चलो अब नेक्स्ट वाला, शी गेव मी नोट है, उस टॉपिक से इसका कोई लेना देना नहीं है। देखो सिस्टर क्या है, सिस्टर इज नाउन, और आपको लगेगा ना कि अरे LY लगा है तो जरूर ये एडवर्ब होगा, नहीं, कभी कभी LY वाले वर्ड्स एडजेक्टिव भी होते हैं, नाउन में LY लग गया
याद रखना है कि एलवाई वाले वर्ड्स एडवर्ब भी होते हैं और एलवाई से खत्म होने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव भी होते हैं। कैसे डिसाइड करोगे? अगर नाउन में एलवाई लग गया तो एडजेक्टिव हो गया, अगर एडजेक्टिव में एलवाई लग गया तो वो एडवर्ब बन गया। तो सिस्टर तो नाउन है और यहाँ नाउन में एलवाई लगा है तो ये एडजेक्टिव है। उसने मुझे बहन की तरह ट्रीट किया, तो ट्रीटमेंट नाउन है और नाउन की विशेषता बताने के लिए हमें एडजेक्टिव चाहिए ना, सिस्टरली ट्रीटमेंट। सिस्टरली, ब्रदरली, फादरली, मदरली सब एडजेक्टिव है, सब एडजेक्टिव है। ओके मैं ये सारा ए टू जेड जो मैं ग्रामर पिछले 3-4 महीने से आपको पढ़ा रही हूँ ना, ये सारा को मैं एक जगह कंपाइल कर दूंगी। जैसे मैंने ए टू जेड बैच पूरा ग्रामर का किया है ना, वैसे ए टू जेड सारा एक जगह कंपाइल हो जाएगा ना, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। बस मुझे 2-3 टॉपिक और ख़त्म कर लेना है, उसके बाद पूरा ए टू जेड ग्रामर आपका रेडी है। पासिंग मार्क्स, हाँ, शी इज़ माई म्यूचुअल फ्रेंड या कॉमन फ्रेंड। फ्रेंड्स कभी भी म्यूचुअल नहीं होते हैं। फेसबुक पे तो आप म्यूचुअल फ्रेंड वगैरह देख देते हो, बट रॉन्ग है, फ्रेंड्स आर ऑलवेज कॉमन। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो सकता है दोनों के बीच में, पारस्परिक कॉमन अंडरस्टैंडिंग नहीं है, पारस्परिक म्यूचुअल आपसी समझ है, बट फ्रेंड्स कभी भी म्यूचुअल नहीं होते, फ्रेंड्स कॉमन होते हैं। और दूसरा, ही गॉट पासिंग मार्क्स बोल देते हैं, बट गलत है, पास मार्क्स, पासिंग मार्क्स नहीं होता है। अरे, ही गॉट पासिंग मार्क्स गलत है, पास मार्क्स होगा। अंडरस्टैंडिंग कॉमन होता है, सॉरी, म्यूचुअल होता है, फ्रेंड्स कॉमन होते हैं। ये भी हो गया, अब जल्दी जल्दी इसको खत्म किया जाए। हाँ, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं ना जिसका कंपेरेटिव और सुपरलेटिव बनता ही नहीं है, वो हमेशा ना, उसको मान के चलो कि वो अपने आप में सुपरलेटिव है, उसका ना मोर लगा के बना सकते हो ना मोस्ट लगा के। जनरली हम कंपेरेटिव बनाने के लिए मोर लगाते हैं, सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट लगाते हैं, बट कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिसका कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री होते ही नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में सुपरलेटिव है। जिसमें से एग्जाम का फेवरेट वर्ड है ऐसा आ जाएगा, मोस्ट यूनिक। यूनिक का मतलब है सबसे अद्भुत, सबसे अलग। आपको लगेगा बहुत सारों में वो सबसे अलग है, उसकी तुलना बहुतों से हो रही है तो आप मोस्ट लगा दोगे, बट यूनिक इज यूनिक, परफेक्ट इज परफेक्ट। ना मोर यूनिक होता है ना मोस्ट यूनिक होता है, ठीक है? यूनिक अपने आप में यूनिक है, तो उसके साथ मोर या मोस्ट नहीं लगाओगे। उसी तरह परफेक्ट, ना मोर परफेक्ट ना मोस्ट परफेक्ट। मेजर, माइनर, आइडियल, ही इज द मोस्ट आइडियल स्टूडेंट नहीं होगा, इज द आइडियल स्टूडेंट। आइडियल मतलब सबसे अलग, आउटस्टैंडिंग, ये वाला मतलब एग्जाम में यूनिक बहुत आता है। सुप्रीम के साथ भी मोर सुप्रीम, मोस्ट सुप्रीम लगा देंगे। राउंड, स्क्वायर शेप्स के साथ ट्रिमेंडस, प्रेफरेबल, प्रेफरेबल के साथ भी मोर लगा देंगे। प्रेफरेबल का मतलब ही होता है दो के बीच में तुलना कर रहे हो, मोर नहीं लगाओगे, तो ये सब में मोर या मोस्ट नहीं लगता है, मोस्ट यूनिक एग्जाम में आ जाता है। लाइव बैच आप बात करिए, अभी अनअकैडमी में ऑफर चल रहा है। ठीक है, आप इस नंबर पे कॉल कर लेना, वो आपको हेल्प करेंगे, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए ना। अभी नेक्स्ट मंथ में ना सारे प्रैक्टिस बैचेस आ रहे हैं, नेक्स्ट मंथ में आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइजेज हैं, जिसका आप स्टूडेंट को काफ़ी दिनों से वेट था, सरप्राइजेज भी है। एक बार चीज़ें फाइनलाइज हो जाती है ना, फिर मैं आपको सरप्राइज रिवील करती हूँ। आई सी माई, आई एम 30 years, 31 years old, ओके, वर्किंग एज एओ इन LIC, आई, देर आर मेनी। सो देखो, पेरेंट्स दे टेक सो मच पेन। पेरेंट्स ना कितने अच्छे से अपने से वीडियो देख के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो एक बार लाइक बनता है हमारे सारे पेरेंट्स के लिए, ठीक है? हाँ, सारे पेरेंट्स के लिए लाइक तो बनता है। तो वो क्या करते हैं ना, कभी कभी वीडियोस देख के फिर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। सोचो कितना मेहनत करते हैं वो, तो अपने लाइफ में सेटल्ड है, अपने बच्चों के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं। तो आप स्टूडेंट, तो अभी आपकी शादी नहीं हुई, अभी तो आप फ्री हो, आपके आपके जिम्मे तो सिर्फ पढ़ना है, तो पढ़ लेना है, पढ़ लेना है। तो ये सब के साथ मोर या मोस्ट मत लगाना। दिस इज द मोस्ट यूनिक पीस ऑफ डायमंड, मोस्ट यूनिक नहीं होगा,
यूनिक, ना मोर यूनिक ना मोस्ट यूनिक. शी हैज डन द मोस्ट एक्सीलेंट. एक्सीलेंट इज एक्सीलेंट, ना मोर ना मोस्ट. परफेक्ट इज परफेक्ट, ना मोर या मोस्ट. पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बहुत करते हैं. हो गया, लिख लिया ये. अब आ जाओ, दो तीन और बच गया है, उसके बाद फटाफट एंड कर लिया जाए. ही इज ट्वाइस टॉलर देन हिज ब्रदर. अब देखो, ये आपको दिमाग में आएगा ना कि मैं टॉलर के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है. ये आपके एग्जाम्स में हाल फिलहाल में आया भी है कि मैम दैन के साथ तो कंपेरेटिव डिग्री लगा है, तो ये सेंटेंस करेक्ट होना चाहिए ना. यहाँ भी दैन के साथ तो कंपेरेटिव डिग्री लगा है, ये भी करेक्ट होना चाहिए, ठीक है. लेकिन ये दोनों रॉन्ग है. जब भी हम सेंटेंस में कंपैरिजन ट्वाइस लगा के करते हैं, वो दोगुना अपने भाई से टॉल है. जब भी हम थ्राइस लगा के करते हैं, ट्वाइस लगा के करते हैं, ट्वाइस के जगह ना टू टाइम्स भी लगा दिया, ही इज टू टाइम्स या ही इज थ्राइस, ऐसा ऐसा लगा के कंपैरिजन करते हैं ना, तो वहाँ पे कंपैरिजन हम दैन लगा के नहीं करते, एज लगा के करते हैं. तो ऊपर वाला सेंटेंस रॉन्ग है. ही इज ट्वाइस दैन लगा के नहीं होता है, एज लगा के होता है. ही इज ट्वाइस एज टॉल एज हिज ब्रदर. ही इज ट्वाइस एज टॉल एज हिज ब्रदर. तो ये कहीं पे आप साइड में लिख लीजिए, ठीक है, कि जब भी कंपैरिजन ट्वाइस लगा के हो, टू टाइम्स लगा के हो, ठीक है, तो वहां पे कंपैरिजन दैन लगा के नहीं करना है, एज लगा के करना है. ही इज टू टाइम्स, देखो यहाँ ट्वाइस आया या टू टाइम्स आया, तो दैन मत लगाना, एज लगाना. और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आए, पॉजिटिव पॉजिटिव. समुद्र मंथन का बैच आपका जा रहा है, बीच बीच में टीम आपको डालते जा रही है, आप लोग देखिए उसको. समुद्र मंथन का 3 क्लासेस आपके पास चला गया, बस ध्यान रखना है ना, सिर्फ डिमांड नहीं करना है, हमें ये दे दीजिए मैम, हमें वो करवा दीजिए. जो चीज़ आपके पास जा रहा है ना, वो मोर देन सफिशियंट है. 2020 में भी, ठीक है, 2020 में भी इस बच्चों ने यहाँ से भर भर के सिलेक्शन दिया, 2021 में भी सिलेक्शन दिया, 20 में भी सिलेक्शन दिया और 21 में भी सिलेक्शन दिया, जबकि 2020 में मैंने इतना कंटेंट दिया ही नहीं था जितना मैंने 21-22 में आपको कंटेंट दिया है. तो जब कम कंटेंट था तो बच्चों ने उस समय भी सिलेक्शन दिया, 21 में भी सिलेक्शन दिया है, 22 में भी दिया है, 23 में भी देंगे, कम कंटेंट में भी सिलेक्शन. इसका मतलब है ना, जो आपके पास अवेलेबल है अभी तक ना, जो अवेलेबल है 2 साल पहले तक भी था, उसको भी आप अच्छे से पढ़ लोगे ना, आपका सिलेक्शन हो जाए. तो सिर्फ आप लोग उसके पीछे नहीं भागो, ओके. आप लोगों को ना बस वही है कि बस कंटेंट पे कंटेंट चाहिए. 3 साल पहले तो कम कंटेंट था, उसमें भी पढ़ने वाले ने पढ़ के सिलेक्शन दिया है. चलो ये वाला हो गया. अब हाँ, ये भी है, ही इज इक्वली एज स्मार्ट एज हिज ब्रदर. अब बताओ कि यहाँ पे एरर कहाँ पे है. चलो बताओ, हाँ यहाँ पे ना इक्वली और एज दोनों सुपरफ्लूस है, तो यहां से इक्वली, यहां इक्वली से कंपैरिजन हो ही रहा है. एज से इक्वली हटा दो. ही इज एज स्मार्ट एज हिज ब्रदर. ही इज नहीं, स्मार्टर तो नहीं लगाओगे, स्मार्टर नहीं लगाओगे, कंपेरेटिव डिग्री रखोगे. स्मार्टर कहाँ से आ जाएगा, ही इज इक्वली स्मार्टर हिज ब्रदर. अगर आप बोलोगे कि मैम दोनों में से कोई एक हटाना है, तो हम एज लगा हटा देते हैं. क्या एज हटाते हो और इक्वली रखते हो. ही इज इक्वली स्मार्ट हिज ब्रदर. क्या ये सेंस बन रहा है.
अब बोलोगे कि दोनों सुपरफ्लूस हो गया, दोनों एक साथ नहीं लगेगा, एज ऐसे कंपैरिजन हो ही रहा है और इक्वली कंपैरिजन हो रहा है तो दोनों एक साथ नहीं लगेगा, एक हटा दो। अगर इक्वली रखते हैं ना तो सेंटेंस का सेंस नहीं बन रहा है, तो सिंपली लगा दो ये हटा दो, ही इज एज स्मार्ट एज हिज ब्रदर, एज हिज ब्रदर। हाउ मेनी एग्स एंड मनी डू यू हैव। अब देखो जब भी सेंटेंस में दो अलग अलग नाउन आ गया तो उसके लिए अलग अलग डिटर्मिनर लगाने की ज़रूरत है। ये मैनी किसके लिए लगता है? मैनी इज काउंटेबल के लिए और मच मच इज फॉर अनकाउंटेबल। तो यहाँ पे दो अलग अलग चीज़ है ना। एग्स को तो काउंट कर सकते हो, एग्स के लिए तो आपने मैनी लगा दिया, बट मनी इज अनकाउंटेबल ना, मनी का अमाउंट होता है, तो इसके लिए हमें अलग से मच लगाना हो। हाउ मच मनी मनी। ग्रामर बहुत इजी आ रहा है, अपने स्टूडेंट से मैं यही चीज़ बोलूँगी कि ग्रामर बहुत इजी आ रहा है, ज़्यादा ग्रामर के समंदर में डूबिए नहीं, पढ़ के बस मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए। कुछ भी क्वेश्चन मत करो मैम, क्या आपने वो कैप पढ़ाया है? प्लेलिस्ट में जाके देखो, उसके बाद आपके पास ना एक क्वेश्चन नहीं होगा पूछने का। प्लेलिस्ट में जाके देखिए अच्छे से क्या क्या पढ़ा है। दीज ऑल मैंगोज आर राइप, तो ये सेंटेंस गलत है, दीज ऑल नहीं होता है, ये दीज डिटर्मिनर है ना, ये नाउन के साथ होगा, ये दीज जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है ये नाउन के साथ होगा, यहाँ दीज का पोजिशन गलत हो गया, ऑल दीज होगा, ऑल दीज बॉयज, दीज ऑल नहीं होगा, ऑल दीज। All these mangoes are ripe, ठीक है। अब बस हाँ, अब लास्ट बच गया है, ठीक है, हमारा लास्ट बच गया है। ये देखो एक छोटा सा रूल याद रखना है, कभी कभी ना वाक्य में बहुत सारे एडजेक्टिव्स एक साथ आ जाते हैं, तो ये वाला याद रखो, ये वाला रूल याद रखना है, मतलब रूल नहीं है शॉर्टकट है, वो सास कॉम, ठीक है। ये ओ क्या है? ओसैस, इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम एज कंप्यूटर, ऐसा भी याद कर सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम एज कंप्यूटर, ये शॉर्टकट मैंने डाला है। बोलोगे मैम ये सब है क्या? ये ओ है आपका ओपिनियन, ओपिनियन मतलब किसी भी चीज़ की क्वालिटी बता रहे हो, आपके क्या ओपिनियन है, क्या है क्वालिटी है। ये एस क्या है? एस इज फॉर साइज। A is for age, age में young है, old है, ये सब age है। एक बार फिर से मैं आपको बताऊंगी, फिर से बताऊंगी। ये S है shape, sharp है, shape कैसा है। C क्या है? color के लिए। O क्या है? origin। और M क्या है? किस material से बना है, wood से बना है, leather से बना है। और P क्या बता रहा है? purpose। ठीक है, इसको ऐसे मत लिखो, यहाँ पे मैं अलग से ला रही हूँ, ये वाला रूल याद करना है। नहीं, दीज ऑल सुपरफ्लूस नहीं होगा, ऑल दीज क्लियर है। ये देखो यहाँ पे बता रही, देखो ओसैस कॉम्प मैंने लिखा है ना, ओसैस कॉम्प मतलब ओ ओपिनियन है, मतलब ओपिनियन मतलब क्या ओपिनियन है, सुंदर है, ब्यूटीफुल है, प्रिटी है, साइज के लिए है, ह्यूज टाइनी बिग लिटिल, एज है ओल्ड यंग न्यू, शेप के लिए है राउंड शेप, इसको लिखिए पहले, इसको लिखिए। हाँ हाँ भाई, वो कैप कंप्लीट हो गया, आप देखो तो जाके इस चैनल पे ना, वो कैप पढ़ पढ़ के पागल हो जाओगे, इतना ज़्यादा वो कैप है, क्या पूछ देते हो, पहले जाके देखो। चलो लिख लिया है। हाँ, जब बहुत सारे सीक्वेंस आ गया ना तो ये सारे एडजेक्टिव्स बनेगा। लिख लिया, यस आशुतोष, आई लुक इन टू इट, ओके, आई हैव सीन योर कॉमेंट, आई हैव सीन योर कॉमेंट, आई टॉक टू यू। ठीक है, तो चलो।
कलर, फिर सी से कलर आएगा, ठीक है, फिर ओ से ओरिजिन आएगा, ठीक है, फिर मटेरियल है, क्या चीज से बना हुआ है, वुडन है, सिल्क से है, क्या से चीज से बना हुआ, मेटल से बना हुआ, आयरन से बना हुआ। पर्पस मतलब किस उद्देश्य से यूज किया जा रहा है। ड्रेस, एक तो पर्पस, किस पर्पस का ड्रेस है, किस पर्पस के लिए, वेडिंग ड्रेस होता है, स्कूल ड्रेस होता है, बूट्स जो बना होता है किस पर्पस से, राइडिंग के लिए, चलने के लिए, ग्लव्स भी होता है ऑपरेशन के लिए, या कुछ ग्लव्स गार्डनिंग पर्पस से बना है। पहले वो साइज का कॉम्प लिख लीजिए। हो गया, चलो अब मैंने लिखा शी हैज लॉन्ग ब्यूटिफुल ब्लॉन्ड हेयर। ब्लॉन्ड का मतलब है गोल्डन कलर है, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पे मैं लिख ले रही हूँ, यहाँ पे लिखा मैंने ओसैस कॉम, साइड में लिख लिया। ये लॉन्ग क्या बता रहा है, लॉन्ग बता रहा है साइज, लॉन्ग स्मॉल साइज बताता है। ब्यूटीफुल मतलब आपका ओपिनियन क्या है उसके बालों के बारे में, क्वालिटी क्या है ब्यूटीफुल। और ब्लॉन्ड मतलब गोल्डन कलर को बोलते हैं, तो ये कलर है। अब बताओ क्या ये अरेंजमेंट सही है, ठीक है। देख लो ये क्या है, इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि सब एक साथ आ जाएगा, 8-9 एडजेक्टिव एक साथ थोड़ी आ जाएगा। ये वाला साइज है, ठीक है, और ये वाला शेप है। तो पहले साइज पहले, और ये वाला तो ओपिनियन है, तो पहले ओपिनियन आना चाहिए ना, क्या होना चाहिए, शी हैज ब्यूटिफुल, पहले ब्यूटिफुल है, फिर क्या आएगा, साइज है लॉन्ग, और फिर सी से क्या आएगा, कलर है ब्लॉन्ड है, ब्लॉन्ड 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 है। ओके हाँ, अलोंग अवुडेन ऐसा लिख दिया, अवुडेन लॉन्ग शार्प नाइफ वॉज लाइंग ऑन द टेबल। चलो बताओ इसका, इसका बताओ। कोई बात नहीं है, रेगुलर क्लास नहीं ले पा रहे हो तो आप जब मन है तब ले लो ना। बताओ। ये वुडन क्या है, ये शार्प है ना, शार्प का मतलब है तो है बहुत धार, जैसे नाइफ का जो शेप है ना बहुत शार्प है, तो ये जो शार्प है ये शेप बता रहा है आपका, शार्प ब्लंट है, शार्प है, शेप बता रहा है, और ये तो साइज बता रहा है। तो पहले आपको क्या करना है, पहले साइज डालना है ना, लॉन्ग पहले आपको डालना है, लॉन्ग फिर उसका क्या डालना है, शेप डालना है, शेप शेप, और फिर क्या डालना है, फिर मटेरियल डालना है, क्योंकि एम तो लास्ट में आ रहा है, मटेरियल मटेरियल है, लॉन्ग शार्प मटेरियल लिख दिया, वुडन होगा, वुडन वुड से बना है, किस मटेरियल से बना है, वुड से, लॉन्ग शार्प वुडन नाइफ। बहुत सारे 60 रूल्स में भी आपने कवर किया हुआ है, यहाँ तो मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा दिया आपको, देख लो यहाँ पे ये तो सही है ना, यहाँ तो मैंने सब सही लिख दिया। द गर्ल हैज लॉन्ग स्ट्रेट ब्लॉन्ड है। अब यहाँ पे देखो ये भी सही है, ये देखो ओसैस कॉम्प, करेक्ट करेक्ट वाला सेंटेंस दिया है,
ओपिनियन उसके बारे में क्या है? ओपिनियन है कि वो हैंडसम है, फिर क्या है, साइज है, टॉल है, फिर उसका कलर क्या है, कलर डार्क है, किस ओरिजिन का है, उसका ओरिजिन कहाँ है, कहाँ से बिलोंग करता है, ओरिजिन है अफ्रीकन निग्रो, अफ्रीकन अफ्रीकन ठीक है। तो ये फाइनली अब बिग, उसी तरह बिग रेड लेदर बैग, लेदर मटेरियल है, ये कलर है, ये साइज है, एंड देन फाइनली दिस इज द एंड ऑफ एडजेक्टिव्स। फाइनली मैंने आज आपको एडजेक्टिव चैप्टर खत्म कर दिया, ठीक है। हमने नाउन पढ़ लिया, प्रोनाउन पढ़ लिया है, देखो जो बच्चों को नहीं पता है ना बता दूँ, एडजेक्टिव पढ़ लिया है हमने, नाउन पढ़ लिया, प्रोनाउन पढ़ लिया है, प्रेपोजिशन पढ़ लिया है, कंजंक्शन पढ़ लिया है, वॉइस पढ़ लिया है, वर्ब पढ़ लिया है, टेंस पढ़ लिया है, नरेशन पढ़ लिया है, सब पढ़ लिया है। दो तीन टॉपिक बचा हुआ है, उसको मैं अब देख लेना, सारा चीज़ है, सारा चीज़ है। अब चलो अनअकैडमी के बारे में मैं आप स्टूडेंट्स को बता दूँ। जब मैं पढ़ा रही थी ना तो बीच बीच में कॉमेंट्स आ रहे थे कि मैम आपका नया बैच कब से शुरू हो रहा है। नया बैच शुरू हो गया है, एक फाउंड देखो नया बैच में क्या क्या है। एक नया बैच है आपका फाउंडेशन कोर्स ऑफ इंग्लिश, जिसमें फर्स्ट चैप्टर चल रहा है कंजंक्शन। इसमें मैंने अभी कंजंक्शन चैप्टर ही शुरू किया है, जिसको आज मैं एंड करूंगी। पहले मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया है, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा के बच्चों को होमवर्क दिया था और कि होमवर्क करके आइएगा, मैं क्लास में मंडे को डिस्कस करूँगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच का होमवर्क दिया था पीडीएफ, आज मैं उसको डिस्कस करूँगी। और आज मेरा काम है कंजंक्शन एंड करना, ठीक है, कल से सब्जेक्ट वर्ब इसमें स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एकदम फाउंडेशन कोर्स ऑफ इंग्लिश है, एकदम बेसिक से चलेगा। ये बैच चलता है 12:30 बजे से, आपको पढ़ाने के बाद मैं इसी क्लास में जाऊँगी। और दूसरा एक स्पॉटिंग, पढ़ने के बाद भी जिसका एरर्स नहीं बन रहा है ना, काइंडली इस बैच को ज्वाइन करिए। 6 मंथ्स के लिए करिए, करिए 1 ईयर के लिए करिए, करिए बट करिए। इस बैच में आपका बहुत इंप्रूवमेंट होने वाला है, आपका एरर से वो डर खत्म हो जाएगा। और एक वोकैब का बैच चल रहा है समुद्र मंथन, ये समुद्र मंथन को मैं इस मंथ में ख़त्म करूँगी। समुद्र मंथन वोकैब का बैच है, उसको करने के बाद अब खुद मैं अपने आप में डिक्शनरी बन जाऊँगी। इसमें मैं पढ़ाती भी हूँ, बच्चों को वर्ड्स भी याद करवा रही हूँ। और ये समंदर मंथन का बैच खत्म होगा ना, तो इसमें मैं जोड़ दूंगी प्रैक्टिस बैच ऑफ वोकैब प्लस क्लोज टेस्ट। नेक्स्ट मंथ में क्लोज टेस्ट का भी बैच आ रहा है, तो इतने सारे बैचेस आ रहे हैं, सब में अलग अलग एडमिशन लेने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको ये कोड लगा देना है और आपको मेरे सारे बैचेस मिल जाएंगे, ठीक है, सारे बैचेस मिल जाएंगे और रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, लाइव भी मिल जाएगा। पिछले 3 साल से अनअकैडमी पे हूँ, फ्रेजल वर्ब्स, फिक्स प्रेपोजिशन, सब बैच मिलेगा। ये कोड लगा देना रानी 10। और अभी अनअकैडमी पे बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है 40% का। वैसे तो अनअकैडमी आपको 10% ऑफर दे रहा है, बट लिमिटेड पीरियड के लिए 2-3 दिन में ये ऑफर खत्म हो जाएगा, तो जल्द से जल्द एडमिशन ले लीजिए। देखो ये 40% ऑफर चल रहा है, ओके। तो आई वुड लाइक कि जो स्टूडेंट्स का अभी एग्जाम देने में टाइम बचा हुआ है वो 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले लें, आपके ऊपर है। 24 मंथ्स और भी सस्ता पड़ेगा, आप 1 साल का भी 24 मंथ्स, या तो आप 1 ईयर का भी ले सकते हो, आपके ऊपर है। 1 ईयर 2 ईयर 1 ईयर और 2 ईयर में ना वैलिडिटी तो डबल है, बट ओनली 1000 का डिफरेंस है, ठीक है। ये कोड लगा लीजिएगा, ये अब इस बैच को ना यूट्यूब बैच को जल्द से जल्द ख़त्म करना है। अब कोई भी दिक्कत हो ना इस नंबर पे कॉल कर लीजिए ना, ये नंबर आपको एक एक चीज़ हेल्प करेगा। एडमिशन के पहले भी, एडमिशन के बाद भी आपको लिंक देंगे ये कौन कौन सा बैच देखना है, बहुत सीक्वेंस में। जहाँ भी आप कंफ्यूज हो गए ना इस नंबर पे कॉल कर लेना, चाहे एडमिशन के समय चाहे एडमिशन लेने के बाद, ओके, आपको सारा इन्फॉर्मेशन ये दे देंगे। और ये सब बैचेस है आपके। और एक दो चीज़ और बताना था मुझे, एक दो चीज़ ई बुक्स के बारे में बताना था। यूसी लाइव ऐप अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि यूसी लाइव ऐप में ना नेक्स्ट मंथ से MTS का टेस्ट शुरू हो जाएगा, ठीक है। और यूसी लाइव ऐप लॉन्च करने के पीछे एक और चीज़ है कि यहाँ पे सारे ई बुक्स मिलने वाले हैं, ई बुक्स मिलने वाले हैं। तो जो अभी एक बच्चा है परेशान है, मैम EDMs कहाँ से करें, देखो EDMs के लिए यहाँ पे है आपका 1700 EDMs है। अभी मैं इसको फिर से अपडेट करने वाली हूँ। 1 वर्ड है आपके पास 1100, फिक्स प्रेपोजिशन 700 है, टॉपिक वाइज एरर है। अगर सबको एक साथ लेते हो तो आपको 99 रुपीज़ में, ओके, 99 रुपये में आपको सारा मिल जाएगा। अलग अलग लेते हो तो 31, 21 ऐसा ऐसा कुछ है,
ले सकते हो या आप एक साथ भी ले सकते हो। तो ई बुक्स से रिलेटेड कुछ भी चाहिए आपको नंबर मैंने प्रोवाइड कर दिया, वहां से आप देख लेना। जिन बच्चों को क्लोज टेस्ट करना है, एक जगह पे आपको 100 क्लोज टेस्ट चाहिए, 100 PQRS चाहिए, उसके लिए अलग से 21 rupees है, ठीक है, तो देख लेना इसको। ओके, तो चलो कल। हाँ, इतना कैसे पढ़े मैम। ओके, चलो कल मिलते हैं, कल एक नए टॉपिक के साथ। अब ना मेरे को, मैं 2-3 दिन के लिए छुट्टी पे भी जाऊंगी, ठीक है, 2-3 days आई विल बी ऑन लीव। तो व्हाट मेरा टारगेट है ना कि इस मार्च मंथ में मेरे को A to Z पूरा ग्रामर खत्म कर देना है, क्योंकि ये चैनल्स है ना, आपको पता ही है, इस चैनल पे ना कभी इधर उधर की बातें होती नहीं है। उस टीचर ने उसको क्या बोला, इसने उसको क्या किया, इस चैनल पे सिर्फ आपको कंटेंट मिलता है और मेरे को सिलेक्शन मिलता है, ठीक है, आपको मिलता है कंटेंट और मेरे को आप लोग देते हो सिलेक्शन। तो ये चैनल बस दो ही चीज से जुड़ा हुआ है, टीचर का कंटेंट, बच्चों का सिलेक्शन। तो मैं इसको जल्द से जल्द चाहती हूँ कि इस मंथ में, 2-3 दिन छुट्टी पे जाऊँगी, तो इस मंथ में मैं इस बैच को ख़त्म कर दूँ। इस बैच को ख़त्म करने के बाद भी ना मेरे को सिलेक्शन मिलने वाला नहीं है, मेरे को पता है सिलेक्शन नहीं मिलेगा बैच को ख़त्म करने के बाद, जब तक मैं A to Z बैच में बच्चों के साथ प्रैक्टिस ना करवाऊँ। मेरे को असली सिलेक्शन ना प्रैक्टिस में मिलने वाला है, तो नेक्स्ट मंथ में ना बहुत सारे प्रैक्टिस वगैरह सब मुझे करवाना होगा। वी विल मिस यू मैम। क्या मिस करोगे, कहाँ जा रही हूँ, हमेशा के लिए थोड़ी जा रही हूँ। वी विल मिस यू मैम। हो, मेरे को बैच पढ़ाने के बाद भी ना सिलेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे को पता है मेरे को मेरा सिलेक्शन प्रैक्टिस से मिलेगा। तो यूट्यूब पे नेक्स्ट मंथ विल बी डिवोटेड, क्योंकि मैं निश्चिंत हो जाऊँगी कि इस चैनल पर मैंने पूरा डिटेल में ग्रामर पढ़ा दिया, इस चैनल पर मैंने कोई भी भेदभाव नहीं किया। पूरा जो हमारे अन अकेडमी वाले स्टूडेंट्स हैं ना, वो जानते हैं कि मैम ने जैसा पेड में पढ़ाया वैसा यूट्यूब पे भी पढ़ाया है, और A to Z वो कैब भी आपको पूरा पढ़ा दिया है, A to Z ग्रामर भी पढ़ा दिया। अब मेरे को ना यूट्यूब स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा क्लोज टेस्ट पे भी वर्क करना है, पैसेज पे भी करना है, जो हो जाएगा, अभी टाइम है। ओके, मेरा KVS में क्या हो गया, मैडम जी एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज और नाउन क्लॉज को दिमाग में बैठा दीजिए। अच्छा, मेरा KVS में आया था, गलत हो गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छे से बोला है कि मैम इसको एकदम दिमाग में बैठा दीजिए। यही तो एक स्टूडेंट का स्पिरिट होता है, यही एक स्टूडेंट ना का कमेंट होता है कि मैम कुछ ये एकदम दिमाग में बैठा दीजिए कि आगे गलत ना हो। ओके, देख लिया मैंने आपका कमेंट, देख लिया, ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीवन, कल मिलते हैं फिर से, ठीक है। थोड़ा सा ना मुझे फ्रेजल वर्ब के लिए टाइम दीजिए, अगर मैं फ्रेजल वर्ब स्टार्ट करूँ ना तो फिर आपका ये बैच रुक जाएगा, तो मेरे को 2-3 टॉपिक बचा हुआ है, इसको मुझे ख़त्म करवा ही लेने दीजिए, फिर मैं फ्रेजल वर्ब करूँ। मैं भी आपको धन्यवाद करूँगी ना महेंद्र, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा।